हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू लर्न विथ मी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम अपना लीनियर वाला को ही क्या करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था, बिल्कुल बेसिक बातें हमने लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की, पूरी बेसिक बातें हमने क्या की थी, डिस्कस कर ली थी। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, किस तरीके से अरेंज किया जाता है, ये सब मैंने बता दिया था। ठीक है, जितने भी बेसिक टर्म्स होते हैं वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देख लेना। ठीक है, तो चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, नॉर्थ वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इसके दो क्वेश्चन हमने क्या किए थे, डिस्कस किए थे। आज हम क्या करेंगे, साउथ वाला पढ़ेंगे, इसके भी आज हम दो क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा हिंदी पे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। अब चलते हैं हम अपने इंग्लिश की क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश पे ये रहा, क्या लिखा हुआ है, सेवन फ्रेंड्स हैं इसमें। ठीक है, सात लोगों को हमें एक लाइन पे अरेंज करना है। ठीक है, सेवन फ्रेंड्स कौन कौन है, कुणाल, रोहित, चिंकी, गौरव, सालू, रोनित, प्रियांक आर सिटिंग इन अ रो। ठीक है, ये क्या है, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, एंड दे आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, नॉर्थ, नॉर्थ में कैसा रहता है, लेफ्ट से राइट। ठीक है, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, साउथ, साउथ में मैंने क्या बताया था, राइट से लेफ्ट। ठीक है, तो अभी अब हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक ऐसे, और ये कैसा रहेगा हमारा, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब मैं बोलूँगी, अगर मान लो कि ए के सेकेंड लेफ्ट पे बी बैठा है तो हम क्या करेंगे, ए एक के बाद कोई बंदा उसके सेकेंड लेफ्ट इस साइड आ जाएगा। ठीक है, और राइट साइड इस तरफ आएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। अब क्या बोल रहा है, देयर आर टू फीमेल्स। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे दो महिलाएं हैं। ठीक है, देयर आर टू फीमेल्स, कौन कौन है, चिंकी और सालू। ठीक है, चिंकी और सालू क्या है, फीमेल्स है इन द ग्रुप। ठीक है, इस समूह में क्या है, चिंकी और सालू दो फीमेल है, तो हम लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में चिंकी सालू, ये दोनों क्या हैं, फीमेल है। ठीक है, बाकी सारे क्या रहेंगे, मेल रहेंगे। ठीक है, और क्या बोल रहा है, चिंकी इज़ नॉट द नेबर ऑफ मेल मेम्बर। ठीक है, चिंकी क्या है, नेबर नहीं है मेल मेम्बर का। ठीक है, हमने फीमेल को माइनस से बताया, मेल को क्या किया, प्लस से बता दिए, ये मैंने ब्लड रिलेशन में समझा रखा है, आप लोग उसे जाकर उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, ये हो गया सी, नेबर नहीं है किसी मेल मेंबर का, हमने लिख लिया। अब क्या बोल रहा है, रोहित इज़ नेबर ऑफ अ फीमेल मेंबर। अब बोल रहा है कि रोहित क्या है, मैंने लिख लिया रोहित। अब मैं यहाँ पे आर ओ एच लिखूँगी, क्योंकि यहाँ पे एक रोहित है और एक क्या है, रोनित है, तो आर ओ एच और आर ओ एन हम लिख लेंगे। ठीक है, रोहित है, रोहित क्या बोल रहा है, रोहित इज़ नेबर ऑफ अ फीमेल मेंबर। रोहित नेबर है किसका, एक महिला सदस्य का। ठीक है, नेबर है एक फीमेल का। ठीक है, एक फीमेल का क्या है, ये नेबर है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, रोहित इज़ नेबर ऑफ अ फीमेल मेंबर। अब क्या बोल रहा है, सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ कुणाल। देखो, अब रोहित था, रोहित के बाद कॉमा, उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या बोल रही है, सेकेंड लेफ्ट है कुणाल के, तो ये कौन सेकेंड लेफ्ट आ जाएगा, रोहित। ठीक है, रोहित क्या है, सेकेंड लेफ्ट है कुणाल के, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं रोहित सेकेंड लेफ्ट है किसके, कुणाल के। ठीक है, हमने लिख लिया, या फिर के लिख लेते हैं बस, है ना, रोहित सेकेंड लेफ्ट है कुणाल के। अब क्या बोल रहा है आगे, हु इज़ नेबर ऑफ गौरव। देखो, अब कुणाल है, कुणाल के बाद हु दिया हुआ, तो ये हु किसके लिए यूज़ हो जाएगा, कुणाल के लिए। ठीक है, कुणाल क्या है, नेबर है गौरव का, तो हम लिख लेंगे कुणाल क्या है, के नेबर है गौरव का, जी का। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, रोनित इज़ नेबर ऑफ ओनली वन पर्सन। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से मुझे क्या पता चल जाएगा, रोनित क्या है, पड़ोसी है किसका, केवल एक बंदे का। ठीक है, एक बंदे का पड़ोसी है, रोनित नेबर है एक पर्सन का। ठीक है, हमने लिख लिया एक पर्सन का पड़ोसी है। और क्या बोल रहा है, बट नॉट द नेबर ऑफ गौरव। ठीक है, रोनित क्या है, नेबर नहीं है किसका, नेबर नहीं किसका, गौरव का, मैंने जी लिख लिया। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगी, देखो इसमें सिर्फ एक ही पता है मुझे कि के सेकेंड लेफ्ट पे रोहित है। ठीक है, के क्या है, सेकेंड लेफ्ट पे रोहित है, हम लिख लेते हैं के सेकेंड लेफ्ट पे कौन आ गया, रोहित, आर एच। ठीक है, हमने आर एच लिख लिया, रोहित, ये वाला इन्फॉर्मेशन यूज़ हो गया। अब बोल रहा है कि के नेबर है गौरव का। ठीक है, तो गौरव या तो इधर आ जाएगा या तो इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके आगे हम बना सकते हैं कि इससे रोनित नेबर नहीं है गौरव का, फिर रोनित नेबर है एक पर्सन का,
रोहित निबर है, एक फीमेल सदस्य का, ठीक है। इससे हम आगे कुछ बना सकते हैं कि फीमेल हो सकता है यहाँ पे आ जाए, फीमेल हो सकता है यहाँ पे आ जाए। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँगी तो इसमें क्या रहेगा, बहुत सारा पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी, इस वजह से हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए इसे यहाँ से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो देखो चिंकी और सालू क्या है, फीमेल है। अब मुझे पता चिंकी और सालू दो ही फीमेल है, और चिंकी नेबर नहीं है किसी मेल मेंबर का, तो चिंकी किसकी नेबर हो जाएगी, सालू की। तो चिंकी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो केवल एक ही नेबर होगी फीमेल की, सालू की, ठीक है ना। इधर मेल नहीं आ सकते, तो चिंकी कभी भी बीच पे आ पाएगी क्या, कहीं पे भी बीच पे चिंकी आ पाएगी क्या, नहीं। क्योंकि अगर चिंकी बीच पे आ गई तो दोनों साइड कोई रहेगा, तो सालू तो एक ही तरफ आएगी, और दो ही फीमेल है तो तीसरी फीमेल यहाँ पर आ सकती है क्या, नहीं। और नेबर नहीं है, ये मेल मेम्बर आएगा यहाँ पर, तो ये नेबर नहीं है चिंकी मेल मेम्बर की, तो कभी भी चिंकी बीच पर आ पाएगी क्या, नहीं। क्यों नहीं आएगी, समझ में आया, चिंकी के हमें आजू बाजू पर फीमेल चाहिए, ठीक है, आजू बाजू पे फीमेल चाहिए, मेल नहीं चाहिए। और फीमेल केवल चिंकी के बाद सालू ही बची है, तो सालू तो केवल एक साइड पे आ पाएगी, या तो यहाँ, दूसरे साइड पे कोई मेल मेंबर आएगा जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो सालू क्या आ जाएगी, कॉर्नर पे आ जाएगी। अब हम दो डायग्राम बना के चलेंगे, ठीक है, दो डायग्राम बना के चलेंगे। एक बार सालू को हमने यहाँ बैठा लिया, दूसरी बार हम क्या करेंगे, सालू को इधर बैठा लेंगे, ठीक है। सालू यहाँ पर आ गई, सॉरी चिंकी यहाँ पर आ गई, अब सालू किधर आ जाएगी, इस साइड पे सालू आ जाएगी, ठीक है। और क्या बोल रहा है आगे, देखो दो हो गया, अब क्या बोल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर लिया हमने, ये इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, रोहित नेबर है केवल एक फीमेल का, तो एक फीमेल सालू ही है, सालू नेबर आ जाएगी किसकी, रोहित की, ठीक है। रोहित की नेबर आ गई सालू, यहाँ पर लिख लिया हमने सालू नेबर आ गई रोहित की, ठीक है। इतना समझ में आया, ये भी हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कुणाल के सेकेंड लेफ्ट पे कौन है, रोहित है, ठीक है। अब सेकेंड इस तरफ तो सेकेंड पे कौन है, चिंकी है, तो सेकेंड किधर आ जाएगा, इधर कुणाल पर, कुणाल का तो ये राइट साइड हो गया, तो ये वाला डायग्राम बन पाएगा क्या, नहीं। तो ये तो कुणाल का सेकेंड राइट हो गया, कुणाल के सेकेंड राइट पे रोहित आएगा क्या, नहीं, कुणाल के सेकेंड लेफ्ट पे रोहित आएगा, तो ये वाला डायग्राम क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस डायग्राम को क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, इस डायग्राम को हम हटा देते हैं, और ऊपर वाले डायग्राम से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अब ऊपर वाले डायग्राम को मैं अच्छे से यहाँ पर लिख लेती हूँ, ठीक है। ये सी है, मतलब चिंकी है, ये सालू है, ये रोहित है, ठीक है, इतना मैंने लिख लिया। अब क्या करते हैं हम, इधर राइट साइड था ये, और ये क्या था, लेफ्ट साइड था, ठीक है। तीन व्यक्ति हमारे क्या हो गए, बैठ गए, ठीक है। अब बोल रहा है कुणाल के सेकंड पे रोहित है, रोहित की इस साइड पे चिंकी है, तो ये सेकंड पे कौन आ जाएगा, कुणाल आ जाएगा, ठीक है। अब कुणाल के सेकंड लेफ्ट पे चाहिए, तो बिल्कुल सेकेंड लेफ्ट पे कौन आ गया, रोहित आ गया, ये इन्फॉर्मेशन भी यूज़ हो गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे, देखो के नेबर है जी का, ठीक है। एक बार हम जी को यहाँ पर लिख लेते हैं, एक बार जी को हम इस साइड पे लिख लेंगे, ठीक है। अभी नहीं पता, तो एक बार क्या करती हूँ मैं, यहाँ पे जी को लिख लेती हूँ, ठीक है। जी को हम यहाँ पे लिख के देखते हैं एक बार, ठीक है। जी को हमने यहाँ पे लिख के देखा, के नेबर है किसका, जी का, ठीक है। अब बोल रहा है, और ऊपर पे भी के नेबर है जी का, ये इन्फॉर्मेशन भी यूज़ हो गई, ठीक है। अब रोनित नेबर है केवल एक पर्सन का, ठीक है। अब देखो इससे क्या पता चला मुझे, रोनित जब नेबर आएगा एक पर्सन का, तो या तो इसके इधर कोई रहेगा, या तो इसके इधर रहेगा, दोनों साइड पे आएगा क्या, नहीं। मतलब ये क्या आएगा, इस साइड पर आएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो एक मिनट, देखो अगर मैंने लिखा रोनित को यहाँ पर, ठीक है, एक जगह मैंने रोनित को लिख दिया, अगर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, यहाँ पे अगर कहीं पे भी रोनित आ गया, तो इस साइड पे एक बंदा नेबर रहेगा, मतलब ये क्या आ गया, कॉर्नर पे आ गया। अगर रोनित के मैं इधर किसी को ले लेती हूँ, तो क्या रहेंगे, दोनों साइड पे कोई बंदे आएंगे, जबकि चाहिए क्या मुझे, केवल एक साइड पे, ठीक है। रोनित का कोई एक ही नेबर होना चाहिए, तो रोनित अगर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, कितने बंदे चाहिए मुझे, सात, एक सीट ये थी, दो तीन चार पाँच छः सीट थी, ठीक है। और चिंकी तो कॉर्नर पर आ गई हमारी, तो रोनित को अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, देखो यहाँ पे ले लेती हूँ, तो ये रोनित तो दो का नेबर आ जाएगा, तो रोनित यहाँ पे आएगा क्या, नहीं, ठीक है। रोनित को अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे अगर जी बैठ जाता है, तो रोनित यहाँ पे आ गया, तो ये भी किसका नेबर हो गया, जी दो का नेबर हो गया, ठीक है। तो रोनित को मैं कहाँ पर लूँगी, यहाँ पर भी नहीं आएगा, दो मेम्बर का नेबर हो जाएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, दो मेम्बर का नेबर हो जाएगा, तो रोनित कहाँ पर आ गया, रोनित आ गया यहाँ पर, ठीक है। रोनित कहाँ पर आ गया, यहाँ पर।
अब क्या बोल रहा है, देखो रोनित नेबर है 1% का, हो गया ये, रोनित नेबर नहीं है गौरव का, तो गौरव यहाँ पे आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि रोनित तो नेबर हो जाएगा गौरव का, जबकि मुझे क्या चाहिए, रोनित नेबर नहीं चाहिए गौरव का, तो गौरव कहाँ पे फिक्स हो गया, यहाँ पे, ठीक है, गौरव कहाँ पे फिक्स हो गया, यहाँ पे, तो ये वाला गौरव हट जाएगा, ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब बचा कौन यहाँ पे, बचा कौन, प्रियांक, तो प्रियांक कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ठीक है, प्रियांक कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ठीक है। तो अब मुझे इससे मैंने क्या सीखा, ये हमारी अरेंजमेंट हो गई, इससे मैंने क्या सीखा कि कई बार ऐसा होता है कि लेफ़्ट और राइट, मैंने बताया था कि लेफ़्ट राइट से ही हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि लेफ़्ट राइट है और उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जिससे कि लिंक करते हुए हम क्या करें, अपना सॉल्व करें, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या सीखा, यहाँ पे मैंने देखा लेफ़्ट राइट तो दिया था किसी एक का, ठीक है, पर क्या था, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से मैं लिंक नहीं कर पा रही थी, मेरे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ रही थी, जो कि पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही क्वेश्चन पे इतने सारे पॉसिबिलिटी लेके चलें, ठीक है, एक ले सकते हैं पॉसिबिलिटी, दो ले सकते हैं, ठीक है, बहुत सारा नहीं ले सकते, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग से स्टार्ट किया चिंकी, चिंकी और सालू से, ठीक है, उससे लिंक करते हुए मैंने क्या किया, पूरा अरेंज कर लिया, ठीक है। तो एग्ज़ाम में हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे कि लेफ्ट राइट से हमारा लिंक मिल रहा है क्या, फटाक से देखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, अगर लिंक मिल रहा होगा तो हम अपना स्टार्ट कर देंगे, नहीं मिल रहा होगा तो हम दूसरे किसी एक मेंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई, ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा हिंदी पे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इंग्लिश पे ये रहा, क्या बोल रहा है ये, 8 मेंबर्स हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग इन अ लाइन। अब ये कहाँ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं एक लाइन पे बैठे हैं, ठीक है, कहाँ देख रहे हैं, फेसिंग साउथ डायरेक्शन, मतलब राइट, राइट के बाद लेफ्ट, ठीक है, इतना हमने बैठा लिया। अब क्या बोल रहा है आगे, देयर आर 3 फीमेल्स, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 फीमेल है, ठीक है, 3 क्या है, फीमेल है, मैंने लिख लिया 3 फीमेल है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, नॉट सिटिंग एट कॉर्नर, और ये जो फीमेल्स हैं वो क्या है, फीमेल जो है वो नहीं है कहाँ पे, कॉर्नर पे, ठीक है, मतलब कॉर्नर पे कोई मेल मेंबर ही बैठेगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, देयर आर 3 फीमेल्स इन द ग्रुप नॉट सिटिंग एट कॉर्नर, ठीक है, अ फीमेल इज़ नॉट द नेबर ऑफ एनी अदर फीमेल, ठीक है, एक जो महिला रहेगी वो किसी दूसरी महिला की पड़ोसी नहीं रहेगी, ठीक है, मतलब फीमेल क्या आएगा, नेबर नहीं आएगा फीमेल का, ठीक है, हमने लिख लिया फीमेल नेबर नहीं है किसी फीमेल की, ठीक है। और क्या बोल रहा है अब आगे, जी सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, अब मैं क्या करूँगी, इन्फॉर्मेशन को जल्दी जल्दी नोट कर लूँगी, ठीक है, जी क्या है, सेकेंड लेफ्ट पे है, बी के हमने लिख लिया, ठीक है। और क्या बोल रहा है, हु इज़ नेबर ऑफ सी एंड एफ, अब देखो जी है बी है, उसके बाद हु लिखा, तो जो आगे इन्फॉर्मेशन है वो किसके लिए यूज़ हो रही है, बी के लिए, ठीक है, आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके लिए यूज़ होगी, बी के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, बी नेबर है सी और एफ का, मैंने लिख लिया बी क्या है, नेबर है किसका, सी और एफ का, ठीक है। और क्या बोल रहा है, सी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एफ और ए, सी क्या है, एफ और ए के बीच में बैठे हैं, मतलब एफ ए इधर भी आ सकते हैं, एफ ए इधर भी आ सकते हैं। देखो अब बीच में बोलने का मतलब क्या समझ में आता है कि सी और इधर एफ आएगा तो इधर ए आ जाएगा, सी इधर ए आएगा तो एफ आ जाएगा, ठीक है, हम ऐसे ही समझते हैं। लेकिन इसमें क्या रहता है, अगर बीच में बैठे मतलब यहाँ पे एक बंदा अगर कोई है तो इधर भी एक बंदा, फिर भी तो सी और ए के बीच, सी एफ और ए के बीच में ही आया, एफ एफ के बाद एक बंदा, उसके बाद सी, सी के बाद एक बंदा, उसके बाद ए, मतलब इन दोनों के बीच एक एक का है, मतलब करेक्ट बीच में ही बैठे हैं, ठीक है, करेक्ट बीच में एफ और ए के कौन बैठी है, सी बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर दो मेंबर ले लूँ अगर मैं, फिर भी क्या रहेगा, एफ और ए के बीच में सी बैठेगी, एफ यहाँ पे है, दो मेंबर है सी, फिर दो मेंबर है फिर ए, तो भी सी के है, एफ और ए के बिल्कुल बीच पे ही बैठे हैं, ठीक है, थीके? तो यहाँ पे कितने भी मेंबर आ सकते हैं हमें ये नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लाइन कर लेते हैं, ठीक है, मतलब इनके बीच में कोई भी बैठ सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है, और नहीं भी बैठेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। और क्या बोल रहा, देखो अगर बोला रहता सी इज़ सी सेट्स इमीडिएटली बिटवीन एफ और ए, मतलब इसके जस्ट जस्ट बिटवीन रहता, या फिर इमीडिएटली बिटवीन रहता, मतलब सी क्या है, एफ और ए के तुरंत बाद, इनके बीच में कोई भी नहीं रहता, ठीक है, और नॉर्मली अगर बोलेगा तो हम क्या समझेंगे, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अभी क्या बोल रहा है आगे, एच इज़ नेबर ऑफ ई, एच क्या है, नेबर है किसका, ई का, ठीक है, एच नेबर है ई का, ठीक है। और क्या बोल रहा है आगे, एच नेबर है ई का, अब देखो कॉमा करके जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो किसके लिए यूज़ होगी,
यहाँ पे एच है, फिर ई है, फिर कॉमा के लिए जो इन्फॉर्मेशन यूज़ हुई है एच के लिए यूज़ होगी। ठीक है, क्या बोल रहा है, एच क्या है, इज़ नॉट अ फीमेल। ठीक है, एच क्या है मतलब मुझे क्या पता चला, मेल मेंबर कौन आ गया, एच क्या है, मेल मेंबर है। ठीक है, फीमेल नहीं है मतलब क्या है, मेल है। अब क्या बोल रहा है, ई सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी, ई क्या है सेकेंड लेफ्ट पे है किसके, डी के, हमने लिख लिया। ठीक है, एंड अब देखो ई है डी है उसके बाद क्या है, कॉमा करके इन्फो एंड एंड करके कुछ लिखा हुआ, तो वो किसके लिए यूज़ होगा, ई के लिए। क्या बोल रहा है, नॉट अ मेल मेंबर, तो ई क्या है, फीमेल मेंबर। अब मुझे पता चल गया फीमेल जो तीन थी उसमें ई क्या है, एक फीमेल है, मैंने लिख लिया ई एक फीमेल है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ए सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है, ए क्या है, सेकेंड लेफ्ट है सी के, मैंने लिख लिया ए सेकेंड लेफ्ट है सी के। ठीक है, और क्या बोल रहा है, हु, अब हु किसके लिए यूज़ हो गया, सी के लिए। ठीक है, सी क्या है, एक मेल मेंबर है, तो एच मेल मेंबर था वहीं पे मैंने कॉमा करके सी मेल मेंबर लिख लिया। ठीक है, और क्या बोल रहा है, ए एंड एफ आर मेल्स। अब मुझे पता चल गया ए और एफ भी क्या है, मेल मेंबर है। ठीक है, चार मेल मेंबर का मुझे पता चल गया, ए एफ सी एच। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगी, अब फिर सबसे पहले हम वही करेंगे, लेफ्ट राइट देखते हैं। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है बी के सेकेंड लेफ्ट में जी है, अब बी और जी से आगे कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, बी नेबर है सी एफ का, अब एफ़ एक तरफ चलेगा फिर सी एक तरफ, ठीक है, फिर सी एक तरफ चलेगा एफ एक तरफ चलेगा, तो इसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम आगे और कोई लेफ्ट राइट है क्या जिससे कि मैं सॉल्व कर पाऊँ, बिल्कुल मुझे दिख रहा है डी के सेकेंड लेफ्ट पे ई है। ठीक है, डी के सेकेंड लेफ्ट पे क्या है, ई है, फिर ई नेबर आ जाएगा एच का, तो चलो लेके देखते हैं, एच एक मेल मेंबर है। ठीक है, दोनों तरीके से हम लेके देखते हैं, सबसे पहले मैं ई और डी वाला ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ई के ई डी, अच्छा ये एक और भी तो है, सी के सेकेंड लेफ्ट पे ए है, ये भी दिया हुआ, इससे देखती हूँ कुछ लिंक मिल रहा है क्या, सी के सेकेंड लेफ्ट पे ए है, सी और ए फीमेल है। ठीक है, सी, हाँ देखो इससे मिल जाएगा लिंक, कैसे मिलेगा, देखो सी के सेकेंड लेफ्ट पे ए बैठाएंगे, फिर सी एफ और ए के बीच में, इससे मुझे लिंक मिल सकता है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले सी ले लूँगी। ठीक है, सी के सेकेंड लेफ्ट पे क्या ले लिया मैंने, ए ले लिया। ठीक है, सी के सेकेंड लेफ्ट पे क्या ले लिया मैंने, ए ले लिया, ये वाली इन्फॉर्मेशन क्या हो गई हमारी, यूज़ हो चुकी है। ठीक है, अब देखो सी एफ और ए के बीच में बैठा, देखो अब सी और ए के बीच में एक बंदा है, तो सी और एफ़ के बीच में भी एक बंदा आ गया। ठीक है, तो सी सी क्या है, एफ और ए के बिल्कुल बीच में बैठ गए। ठीक है, ये वाली इन्फॉर्मेशन भी क्या हो गई हमारी, यूज़ हो गई। अब बी नेबर है सी और एफ़ का, तो एफ़ ये रहा सी ये रहा, तो बी कहाँ जाएगा, यहाँ पे बी नेबर आ गया सी और एफ़ का, इतना से मुझे क्या मिला, लिंक मिल गई, तो मैं इसे क्या कर देती हूँ, हटा देती हूँ अब। ठीक है, मतलब मैं इससे बना सकती हूँ क्वेश्चन, है ना। अब बोल रहा है देखो, अब क्या बोल रहा है, एक बोल रहा है एच नेबर है ई का, एक बोल रहा है ए एफ सी एच। देखो अब ए मेल मेंबर है, सी मेल मेंबर है। ठीक है, ये ए मेल मेंबर हो गया, ये सी मेल मेंबर हो गया, और एफ भी मेल मेंबर है, तो ये एफ को भी मैं क्या करूँगी, मेल मेंबर लिख ली। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, डी के सेकेंड लेफ्ट पे, इससे कुछ बना सकती हूँ क्या, नहीं। ठीक है, फीमेल फीमेल की नेबर नहीं है, इससे कुछ बना सकती हूँ क्या, अभी नहीं। और क्या बनाऊँगी, देखो जी बी के सेकेंड लेफ्ट पे कौन आ रहा है, जी बी पता है मुझे, बी का सेकेंड लेफ्ट कौन आ जाएगा, ये, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया जी, ये वाली भी इन्फॉर्मेशन मेरी क्या हो गई, यूज़ हो गई। ठीक है, अब मैं क्या बनाऊँगी, देखो ई डी मुझे पता नहीं है, ई नेबर है एच का, डी के सेकेंड लेफ्ट पे ई है, ये पांच व्यक्ति बैठ चुके हैं, बचे कौन तीन व्यक्ति, एच ई और डी। ठीक है, ये तीन व्यक्ति बचे हैं, अब मुझे यहाँ से एच ई और डी का दिख रहा है, तो मैं भी यहाँ पे अरेंज करके देखती हूँ। ठीक है, डी है डी के सेकेंड लेफ्ट पे ई, मतलब यहाँ पे अगर मैं डी ले लूँ तो इसका एक लेफ्ट इस साइड आ जाएगा, सेकेंड लेफ्ट इधर डी आ गया। ठीक है, और बोल रहा है एच नेबर है ई का, ठीक है, एच क्या है, सॉरी ये मैंने एक साथ लिख लिया, डी क्या बोल रहा है, देखो डी है डी के सेकेंड लेफ्ट पे कौन आ जाएगा, ई, तो मैंने सेकेंड लेफ्ट पे ई लिख लिया। इसी साइड क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ कहीं पे बैठेगा तो लेफ्ट साइड इसी तरफ आएगा, इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, ये समझ में आया, डी के सेकेंड लेफ्ट पे ई है और एच क्या है, नेबर है ई का। ठीक है, तो एच या तो इधर आएगा, एच या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। अब इधर मैं क्यों नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे पास तीन ही सीट बची, पांच सीट अरेंज हो चुकी है, यहाँ पे तीन सीट बची है, तो एच डेफिनेटली किधर आएगा, इधर। मतलब हमारा सीक्वेंस क्या जन्म रहा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारा सीक्वेंस क्या बना, डी एच और ई, देखो डी एच और ई, ये मिल गया मुझे। ठीक है, अब मुझे पता है एच क्या है, एक मेल मेंबर है, मैंने लिख लिया एच क्या है, एक मेल मेंबर है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन भी क्या हुई हमारी, पूरी यूज़ हो गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, देखो इतना यूज़ कर लिया हमने, अब क्या बोल रहा है, देखो अगर मैं डी एच ई को इस तरफ ले लूँ, ये तीन सीट बना लूँ अगर मैं, इधर डी एच और ई की,
ई यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे, एच यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो मेल मेंबर था ई, अब मुझे पता है ई क्या है, एक फीमेल है, ई फीमेल आ गई, ठीक है। पर फीमेल तो कॉर्नर पे है नहीं, तो डी एच ई इधर बैठेंगे क्या? नहीं, डी एच इधर नहीं बैठेंगे, ठीक है, डी एच इधर नहीं बैठेंगे। तो डी एच ई किधर बैठेंगे? इधर, ठीक है। यहाँ पे डी आ गया, यहाँ पे एच, यहाँ पे ई। अब मुझे पता है एच एक मेल मेंबर है, ई एक फीमेल मेंबर है, ठीक है। अब फीमेल यहाँ पे आना नहीं है, तो फीमेल के लिए कौन कौन बचे? एक ये और एक ये, तीन फीमेल आ गई, और ये क्या हो गया? मेरा मेल मेंबर, ठीक है। तीन फीमेल आ गई तो एक बचा, वो क्या हो गया? मेल मेंबर, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन से अब क्या हुआ, ये क्या हो गया, पूरा अरेंज हो चुका है, ठीक है। और सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही तरीके से जम चुकी है, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, देखो डी है, एच है, एफ है, सी है और ए है, ये पाँच क्या मिल गया मुझे? मेल मेंबर। और ई बी और जी ये क्या मिल गया मुझे? फीमेल मेंबर, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि इसमें क्या था, तीन मुझे लेफ्ट राइट मिल रहे थे, जिसमें से लास्ट वाला जो था सी और ए वाला, उससे हमने क्या किया, लिंक मिल गया हमें सी और एफ ए से, ठीक है। फिर एफ नेबर था बी का, फिर बी के सेकेंड लेफ्ट पे जी था, इससे क्या क्या हमने अरेंज कर लिया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है। तो आज का दो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, और एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जितना हो सके उतने लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी इस सेशन का क्या हो, बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। तो चलिए सेशन को आज एंड अप करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।